बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ सबको मेरा सलाम। प्यारे प्यारे व्यूवर्स को उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, कामयाब व कामरान करे ज़िंदगी और सेहत के साथ, आमीन। दुआओं के साथ शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बना रहे हैं बेहद मज़ेदार चपली कबाब रेसिपी। ये बारीक कटा हुआ कीमा है जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है, ठीक है। ये हमने लिए हैं 8 हरी मिर्चें और पूरा एक जवा जो है वो लहसुन का लिया है, 7-8-10 कलियाँ हैं इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से पीस कर इस कीमे में मिला देंगे। और ये मैंने ली है प्याज, ठीक है, प्याज ली है मैंने 2 अदद। इसको भी हम ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून फुल जो है वो 1 टेबल स्पून फुल सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हाँ 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चें हैं। ये हमने लिया है मकई का आटा जो कि इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे चपली कबाब के। ये हमने लिए है अनारदाना, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सबसे पहले मैं जिंजर गार्लिक जो है वो पेस्ट करके इसमें कीमे में मिलाऊँगी। कीमा हमारा बारीक है, इसे सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके ये सब मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सबसे पहले जो है वो 1 मिनट जो है वो अदरक लहसुन ग्राइंड करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं बाकी स्पाइसेस जो है वो अदरक लहसुन को सबसे पहले मैं कीमे में ऐड कर दूँगी, फिर उसके बाद बाकी स्पाइसेस ऐड। सबसे पहले अदरक लहसुन जो है वो मैं कीमे में अच्छी तरह से इसे हाथ मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिए। हाथों को वॉश करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं अदरक लहसुन इसके अंदर कीमे में मिला दूँगी। कीमा हमारा ऑलरेडी बारीक है, हमने चपली कबाबों के हिसाब से लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब ये अदरक लहसुन लगाने के बाद मैं इसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन उसको ग्राइंड करूँगी, फिर इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे और फिर इसे जो है वो हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे जी। अब मैं इसके साथ जो है वो प्याज और लहसुन और हरी मिर्चों को ग्राइंड करूँगी। ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज, इसको अच्छी तरह से मैं इसमें सब मिक्स कर दूंगी। हाथ मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, इसे मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप करूंगी। इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जाइए मकई का आटा ऐड कर देंगे जो हमने पहले से लिया था। इसे इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करने के बाद फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जिसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, ज़ीरा मैं ग्राइंड करूँगी, ग्राइंड करके इसमें मिलाऊँगी और ये मैं इसमें मिला रही हूँ अनारदाना, ठीक है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी जी। मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे 2 आवर्स के लिए रेस्ट के लिए रख रही हूँ, 2 घंटे के लिए तकरीबन, ठीक है। अब ये मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे 2 घंटे के बाद। ये बेहद मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी है, शेनवारी रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल रियल इसकी जो है वो ये रेसिपी है। बेहद मज़ेदार ये चपली कबाब बनते हैं, आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को थम्सअप करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। इसे 2 घंटे हमने रेस्ट दिया था, 2 घंटे के बाद मैंने इसे जो है वो अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से जो है मैं सबसे पहले ये कीमा लूँगी, ठीक है। इस तरह से कीमे को जो है वो अच्छी तरह से बाइंड करने के बाद इसमें और कीमा लेंगे हम, इस तरह से इसको और अच्छी तरह से बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद इस तरह से ये मैं इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह फैला दूँगी, ठीक है।
ये इस तरह से इसको थोड़ा सा इस पर मेहनत करेंगे कि इसको प्रेस करें और इसको इस तरह से जो है वो बाइंड करें ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, ये इस तरह से इनको प्रेस करने के बाद ये मैंने टमाटर बारीक पहले से काट के रखे थे तो इस तरह से हम इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो हम अपना सेकंड कबाब भी जो है वो इसी तरह तैयार करेंगे, फिर बाकी भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। ये इस तरह से कीमे को लेके अच्छी तरह से प्रेस करके इसे इस तरह से जो है वो सेट करते जाएंगे। सेट करने के बाद और इस तरह से इसमें बारीक कटा हुआ ऐसे टमाटर लगाते जाएंगे। ये बेहद लजीज मज़ेदार चटपटे से हमारे चपली कबाब तैयार हो जाएंगे। जी मैंने इस तरह से दो बना के रखे, फिर मज़ीद में इस तरह सारे तैयार करूँगी। ठीक है, हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, तब तक हम ये अपने ये दो चपली कबाब फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल गरम हो गया, ठीक है, अब मैं इसके अंदर आहिस्ता से कबाब डालूँगी। फ्लेम मैंने अभी थोड़ी सी लो कर दी है, ठीक है, और जब ये देखें इस तरह से मैं इसे दोनों आंच की मदद से ताकि ये टूटे नहीं और ये अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इन्हें डाल दिए हैं और ये अब हमारे मज़ेदार से चपली कबाब फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैं से जो है वो आँच हल्की करके और थोड़ी सी देर के लिए कवर अप करें ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, एक साइड से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो सिक गए, अब मैं इसे आहिस्ता से जो है वो पैन कर दूंगी। ठीक है, इन्हें मैं ये पैन कर दिया और इसे हल्का सा इस तरह प्रेस कर देंगे। बाकी भी इसी तरह से जो है वो मैं टर्न करूँगी और उन्हें प्रेस कर दूँगी। ये मज़ेदार से चपली कबाब डन हो गए, बेहद लजीज मज़ेदार बने, इसमें से बहुत मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक यम्मी मज़ेदार डिलीशियस ये चपली कबाब रेसिपी है। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।